से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कोरोना को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, सीएम ने विशेष सावधानी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर स्नान पर्व को लेकर अपील की है, बुखार जुखाम वाले श्रद्धालु आयोजन में शामिल ना हो। जिन्हें बुखार है जुखाम है वो श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल ना हो, यही उनके लिए बड़ी बात होगी। वैक्सीन ना लगवाने वाले श्रद्धालु स्नान में शामिल ना हो। पर्व पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ज्यादा आयु वाले श्रद्धालु बच्चे स्नान में ना आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी अफसरों को निर्देश दिया है, कल्पवासियों के लिए यानी जो वहां पर एक महीने रहते हैं उनके लिए रैपिड टेस्ट की व्यवस्था की जाए। धीरेन्द्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धीरेन्द्र, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं और इसके साथ साथ अभी आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जो तस्वीरें आपने भेजी है, माघ मेला तो सर पर है, बल्कि कल तो स्नान है, लेकिन तैयारी आधी अधूरी है। इस पर कमिश्नर ये एक्सक्यूज देंगे कि 4-5 दिन बारिश हो गई इसलिए तैयारी नहीं हुई, ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है। निश्चित तौर पर राहुल, जिस तरीके से देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला माघ मेले अब एक दिन ही शेष बचे हुए हैं, कल्पवासियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच जो कोविड के संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे जिले की बात करें या माघ मेले जो अलग से बसाया गया जिला है उसकी बात करें, पिछले 24 घंटों में 38 जो पुलिस के जवान पीएसी के जवान है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन जिस तरीके से अब कल्पवास शुरू होने जा रहा है, आधी अधूरी तैयारियों के बीच अब जो कल्पवासी आ रहे हैं उनको पहला स्नान पर्व आधी अधूरी तैयारियों के बीच करना होगा राहुल। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेला अधिकारी तो काफी पहले नियुक्त कर दिए गए, फिर भी आधी अधूरी तैयारियों के बीच स्नान हो रहा है। देखिए राहुल, माघ मेले का इतिहास से पहली बार होगा कि जब कोई आईएएस माघ मेला अधिकारी बनाया गया है। ये व्यवस्था कुंभ और महाकुंभ में बनती थी कि जब कोई आईएएस अधिकारी मेला अधिकारी बनाया जाता था, इस बार एक आईएएस को बैठाया गया है मेला अधिकारी के रूप में, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, हालांकि कुछ इसमें विसंगतियां जरूर आई थी क्योंकि बाढ़ का पानी दो बार यहां पर आया था, उससे दलदल जमीन हो गई थी और लगातार पिछले दिनों 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई है, उसको लेकर भी कुछ तैयारियां पीछे जरूर हो गई। लेकिन अगर ये पहले से तैयारियों की स्थिति निर्धारित की गई थी तो आखिर तैयारी क्यों नहीं की गई, लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आए थे और तैयारियों का जायजा लिया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसी बीच जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है, कोरोना के गाइडलाइन का पालन कराना माघ मेले में प्रशासन की बड़ी चुनौती जरूर होगी राहुल। इसमें कोई दो राय नहीं है धीरेन्द्र, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। माघ मेला शुरू होने के कगार पर है, बल्कि कल से शुरू भी हो जाएगा, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं हुई है। अब ये किसकी लापरवाही है ये आप जान ही रहे हैं। इसके बाद भी साधु संतों और आम नागरिकों का मेले में आना जारी है, कोविड काल में बिना भय आना ये साबित करता है कि कोविड पर आस्था भारी है। 14 और 15 जनवरी को प्रथम शाही स्नान पर्व है, इसी के साथ माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी तैयारियां आधी अधूरी है, जबकि मेला अधिकारी नियुक्त है सब देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आधी अधूरी तैयारी है। पानी बरसने के बाद स्थिति भयावह हो गई है, ये एक्सक्यूज दे रहे हैं प्रयागराज के कमिश्नर। मेला तो अच्छा लग रहा है, अपना जो है पालन सभी करें और हर चीज में दे रहे हैं, टीवी में अखबार में रोज आ रहा है, अपना अपना जो है पालन करो, थोड़ा दूरी बना के रहो, कोई कहीं मेला में तय नहीं कोई, अब यूँ तो सब मरेंगे तो क्या होगा उसका, अपने आप मरना चाह रहे हैं तो मरो, उसका पालन करिए भाई। योगी जी मोदी जी सब चिल्ला रहे हैं कि भाई इसका पालन करें, तो पालन करना चाहिए सबको। देखिए विगत आप लोगों को जैसे जानकारी है, पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे काफ़ी बरसात हुई है, जिसकी वजह से जो हमारी रोड्स पहले से बन चुकी थी उसमें कहीं कहीं पे जो हमारी चेकर्ड प्लेट्स हैं वो दब गई हैं नीचे, तो उनका रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। मैं भी मेला अधिकारी के साथ निरीक्षण भी किया है, आप लोग भी साथ में थे, तो जहाँ जहाँ पे ये कुछ पैचेस हुए हैं, कहीं पे 50 मीटर है, कहीं पे 100 मीटर है, तो वो रोड हम दोबारा रेस्टोर करेंगे।
बीजेपी